नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, कुवैत के बारे में क्या स्थिति, आपको क्या लगता है? लेकिन मुझे तो भाई सऊदी का कुवैत का गलत ही लग रहा है। पहले हम कोरोना की बात करेंगे, उसके बाद में हम वीजा से रिलेटेड बात करेंगे, कितना वीजा एक्सपायर हुए, कितने लोगों ने जॉब छोड़ दिए। जनवरी 2021 से लेकर 20 मार्च तक की मैं डिटेल बताऊंगा आपको, कितने वर्क परमिट वीजा सरकार ने इश्यू किए हैं। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। भाई फेसबुक पेज वाले इसको फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भाई देखिए, कुवैत में अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग ये आंकड़े हैं 25 मार्च तक के। जी हाँ, 223,042 केस अभी तक पॉजिटिव आए हैं। इसमें डेथ की बात करें तो लगभग 1256 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। जी हाँ, और इसमें रिकवरी की बात करें तो लगभग 207,392 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। जी हाँ, अब भाई देख लो कितने बंदे हैं, लगभग आप समझ सकते हैं ये मान लो 20,000 केस पॉजिटिव है अभी तक, एक एक्टिव केस है, यानी केस बढ़े हैं। पिछले मैंने 8-10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, 10,000 केस एवरेज एक्टिव थे, 16,000 केस बढ़े हैं, यानी 10,000 पहले थे, अभी 5-6,000 और एक्टिव केस हो गए, यानी लगभग डबल के करीब ये केस हो रहे हैं। तो आंकड़े तो बढ़ रहे हैं कुवैत में, नो डाउट। फिर भी अभी हम बात कर लेते हैं वीजा से रिलेटेड। पिछले 3 महीने में बात करूं, जनवरी फरवरी और मार्च 20 तक की बात करें 2021 में, जी हाँ, तो कुवैत में मैं बता दूं 17,000 लोगों ने कुवैत छोड़ा है। जी हाँ, अब 17,000 लोगों ने कुवैत कैसे छोड़ा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन यही है भाई, उनके वीजा रद्द कर दिए गए। अब रद्द वीजा कैसे हुए आपको सबको पता ही है, ये वो लोग थे जो लोग फंस चुके हैं। जी हाँ, जो लोग सऊदी कुवैत वापस नहीं जा सके, उनके वीजा एक्सपायर सरकार ने कर दिए, क्योंकि लंबा टाइम हो गया तो वीजा का मैटर क्लोज कर दिया। आगे हम बात करें भाई, 8,000 लोग थे वो अस्थायी तौर से कुवैत उन्होंने छोड़ दिया। 8,000 लोगों ने अस्थायी तौर से कुवैत छोड़ दिया। रीजन क्या था, उनके वीजा लेट होने की वजह से रद्द कर दिए गए, क्योंकि जो वापस कुवैत नहीं लौट पाए। अब कुवैत नहीं लौटे तो भाई आपको पता ही है, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो सरकार ने किस हिसाब से, एज के हिसाब से या फिर जॉब के हिसाब से, कंपनियां बंद हो गई अगर वगैरह, कैसे भी रीजन मान लो, लेकिन 8,000 और लोगों को अस्थायी रूप से कुवैत को छोड़ दिया गया। जी हाँ, यानी उनके वीजा रद्द कर दिए गए। आगे बात करें कि इसी 2-3 महीने के अंदर बता दूं 18,000 प्लस विश्वविद्यालय डिग्री की डिग्रियों को मान्यता दी गई है। तो मैंने पहले भी बताया था कि सरकार ने अभी पढ़े लिखे लोगों से डिग्रियां मांगने लग गई, आज से 8-7 महीने पहले वीडियो बनाया था। ये उन्हीं से पर्पज है कि 18,000 उन लोग जो वहां पे काम कर रहे थे उनकी डिग्रियों की वेरीफाई हुई है, तो 18,000 जो डिग्री, 18,000 लोगों को जो डिग्रियां थी उनको मान्यता दिए गए थे, भाई आपके डॉक्यूमेंट सही है, आप आराम से काम कर सकते हैं कुवैत के अंदर। जी हाँ, और आगे बात करें तो भाई नई अच्छी बात ये कि 1,81,000 प्लस जो वर्क परमिट थे उनको रिन्यू किया गया है। जी हाँ, दुबई में जनवरी फरवरी और मार्च 20 तक की बात करें 2021 में, तो लगभग 2.25 लाख लोगों के वीजा को रिन्यू कर दिया गया है, जो वहां पर भी काम कर रहे हैं या फिर जो इंडिया या अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, और बात करें भाई, बता दूं 460 वर्क परमिट वीजा है उनकी छपाई हुई है, यानी वीजा पासपोर्ट में लगे कुवैत में अभी के दौरान 2.5 महीने की बात करें तो 460 वीजा, और लगभग 335 वर्क परमिट वीजा जारी किए कुवैत ने। अब ये बात आपको सोचने की है कि कुवैत ने जनवरी फरवरी मार्च 20 तक मात्र 735 वर्क परमिट वीजा जारी किए पूरे देश के अंदर, तो भाई ये इंडियन लोगों को वर्क परमिट वीजा कहाँ से मिल रहा है, ये भी सोचने की बात है। मेरे मोबाइल पे रोज कुवैत के वीजा आते हैं, लेकिन वो वीजा, अब आपको सबको समझ लेना चाहिए कि टोटली कुवैत सरकार के 735 वीजा जनवरी फरवरी मार्च 2.5 महीने में इश्यू किए हैं, जारी किए हैं, छपाई मात्र 460 लोगों की हुई है। तो देख लो क्या वीजा की स्टेटस हो सकता है कुवैत का, एकदम जीरो लेवल का, लो लेवल का मैं मान सकता हूँ, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। और फ्लाइटें आपको पता है भाई, फ्लाइटें अभी बंद हैं, कोई अपडेट अच्छी न्यूज है नहीं, जैसे कोई नई अपडेट आती है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।